ओके सो हेलो भाई, सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आप जो भी है। चलो वॉइस क्लियर है, शुरू करें। आगे सभी बच्चे जो जो आने थे, देखो लिंक शेयर करूं पहले मैं। ओके सो 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 चलो ओके सो आई गेस लॉग वगैरह आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जितने भी बच्चे हैं लॉग पढ़ लिया सबने, राइट? मतलब प्रिपेयर करके आए हैं, उम्मीद कर सकता हूँ मैं। चलो मतलब यार इनको प्रिपेयर करते रहना, ठीक है ना, क्योंकि इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता आप लोग को छोटी छोटी डेडलाइन देने का, या काइंड ऑफ जो आप लोग कहते हो ना सर एक स्टडी प्लान दे दो स्टडी, तो इससे ज्यादा बेटर नहीं हो सकता कि आप प्योरली इन टेस्ट को बस फॉलो करो और जो भी 3 दिन बाद जो भी टेस्ट होने वाला है, 4 दिन बाद जो भी टेस्ट होने वाला है, उनको प्रिपेयर करते रहो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जिसमें मैंने कहा बहुत ज्यादा नहीं आपको कि पूरा ही परफेक्शन करने के बाद ही मैं टेस्ट देने आऊंगा, उतना भावुक नहीं होना है। इट्स जस्ट आप अपने नोट्स रिवाइज करो, थोड़े बहुत क्वेश्चन ट्राई करो और टेस्ट देने आ जाओ, ठीक है ना? ठीक है चलो सर, कितने हो गए? राइट नाउ 60 के अराउंड बच्चे दिख रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी भी आते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है? अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि थोड़े से टेस्ट मिस किए हैं, मतलब जो स्टार्टिंग से नहीं है टेस्ट में, तो उनको ये फील भी आ रहा होगा कि सर मतलब यू नो कि लॉक का आपने रखा है पुराने टेस्ट का, क्या कितने बच्चे ऐसे हैं आप में से जिन्होंने स्टार्टिंग से टेस्ट फॉलो नहीं किया, जैसे कि परसेंटेज रेशो वगैरह टेस्ट नहीं दिए उन्होंने, कुछ है ऐसे? चलो आप लोग के लिए ना सेपरेट बेसिस पे ना 2 टेस्ट मैं रख दूंगा, ठीक है ना, वीकली बेसिस पे 2 टेस्ट मैं आपके रख दूंगा, ठीक है, ताकि आप वो परसेंटेज रेशो एलिगेशन उसको सम अप कर लो, ठीक है? पहला टेस्ट है कमला आपका, ठीक है? ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अभी शुरुआत है, बहुत ज्यादा खुद को जज मत करना, ठीक है? इट्स जस्ट पार्टिसिपेटेड रहो, दैट्स इट। इनिशियल लेवल पे कोई खुद को बहुत ज्यादा जज नहीं करेगा, पहले आप आराम से अपने टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, टाइम प्रेशर में क्वेश्चंस को डील करना पहले उसकी हैबिट बनाओ, ठीक है? जैसे ऐसे टेस्ट आगे बढ़ेंगे इंप्रूवमेंट अपने आप होती रहेगी, तो एकदम से परेशान मत होना। 1 मिनट रुक जाओ, यही है ना टेस्ट आपका। पीडीएफ तो आई गेस यही है, ठीक है चलो शुरू करते हैं हम लोग। हाँ आ गए ना सारे, ठीक है, बाकी भी आते रहेंगे धीरे धीरे, और शुरू करते हैं फटाफट से, आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आज के टेस्ट में टोटल 10 क्वेश्चन है, आज के टेस्ट में टोटल क्वेश्चन है 10, तो सीन वही है जो मैं बार बार कहता हूँ, पहले क्वेश्चन देन पोल, क्वेश्चन पोल, क्वेश्चन पोल, क्वेश्चन पोल, ऐसे कर करके पहले मैं 10 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, आप ट्राई कर लो, उसके बाद देखो क्या आपका स्कोर बना, राइट? उसके बाद वन बाय वन में सारे क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है जी? चलो शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। टाइमिंग क्वेश्चंस की वो मैं डिसाइड करूंगा, मतलब मिनिमम 90, 1.5 मिनट तो मैं हर क्वेश्चन का दूंगा, लेकिन कोई क्वेश्चन अगर मुझे लगा कि भाई ये थोड़ा सा टफ है तो वहां पर मैं आपको 2-2.5 मिनट अपने हिसाब से दे दूंगा, ठीक है ना? वरना ऑन एन एवरेज 90 सेकंड हर क्वेश्चन के, जहां मुझे लगेगा 2.5 मिनट की जरूरत है वहां मैं 2.5 मिनट दे दूंगा, डन है? पहला टेस्ट है यूजर आपका, ठीक है, जिनके भी पहले टेस्ट है मैंने पहले ही बोल दिया एकदम से जज मत करना खुद को कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता, अभी आप टाइम प्रेशर में कर रहे हो, चीज का ध्यान रखना, अभी वो टाइमर चलेगा ना तो टाइम प्रेशर में आप क्वेश्चन को डील कर रहे होगे, इस वजह से दिक्कत आएगी। अब शुरू करते हैं जी, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का, ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग ट्राई करो, मैं ऑप्शन देता हूँ, पोल क्रिएट करता हूँ, ठीक है? ऑप्शन है दैट इज √2, √3, 2√3 या फिर √5। पहला क्वेश्चन है, 2.5 मिनट दे देते, टोटल 2.5 मिनट मैंने आपको दिए हैं, एक बार आप ट्राई करो। अश्मित ऐसा क्या था भाई, इतनी जल्दी पता लग गया आंसर? हिंट दे दिया मैंने कुछ? ऐसा तो नहीं, अरे सर ये क्वेश्चन तो अभी मैंने किया था, कल ही किया था, सर मेरी किस्मत अच्छी है, अभी जस्ट मैंने ऐसा ही क्वेश्चन जस्ट सॉल्व किया है। चलो log 4x + 2y, log 4x - 2y = 1, then the minimum value of mod x - mod y क्या होगा?
आराम से सॉल्व करो। जिनको नहीं समझ में आ रहा, एलजेब्रा के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें शायद एक मिनट कई बार समझने में निकल जाता है कि करना क्या है, लेकिन अगर आपको ये पकड़ में आ गया कि करना क्या है, फिर आप विद इन अ मिनट सॉल्व कर दोगे। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सब्र करना। 2.5 मिनट दिए मैंने, एकदम से परेशान मत होना। स्टार्टिंग का 1 मिनट हो सकता है समझने में निकल जाए कि करना क्या है, लेकिन जब ये समझ में आ गया कि इसमें करना क्या है, तो फटाक से हो जाएगा 1 मिनट में सॉल्व। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका डाउट था, मतलब आपको आंसर याद था। ठीक है, चलो ये भी अच्छा है। जो भी बच्चे अभी आ रहे हैं, ये टेस्ट का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन है टेस्ट का। आंसर मैं लास्ट में कराऊंगा। हाँ, इनके जो आंसर है वो मैं लास्ट में कराऊंगा। नवलेश, आपका पहला दिन है, जिनके भी पहले दिन है भाई, जज मत करना, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, हो सकता है टेस्ट आपकी उम्मीद जितना अच्छा ना जाए, लेकिन पार्टिसिपेटर रहना, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आएगी। अगले कुछ सोल्यूशन मैं एंड में कराऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया, पहले आप ट्राई कर लो सारे क्वेश्चन, 7, 6, 5 या 8, इन सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन लास्ट में देखेंगे। सही है रितिका, बेस ऑब्जर्व करो, बेस से छोड़ो, मैं भी हिंट दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करो आराम से। इफ एम लॉग 400 2 विद द बेस 400, एन लॉग 5 विद द बेस 400 इक्वल टू पी, एम एंड पी आर नेचुरल नंबर, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम प्लस एन प्लस पी। टेन क्वेश्चन है फैजल, साहिल सर आप मुझे जवाब क्यों नहीं देते? किसको नहीं दिया जवाब साहिल? टेलीग्राम की बात कर रहे हैं साहिल आप? क्या बोला है लास्ट क्लास में? अब मैं आपको रेज हैंड कर दूंगा, रेज हैंड कर दूंगा, हैंड रेज करना चाह रहे हो आप साहिल? चलो नेक्स्ट पे आ जाए, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ओके, सो के अपॉन के माइनस वन, के अपॉन वन माइनस के, के एंड वन बाय के। चलो सर एक बार ट्राई करो,
इसके लिए टाइम थोड़ा कम रखते हैं। पूछो साहिल, क्या पूछा था लास्ट क्लास में, दोबारा पूछ लो, क्या दिक्कत है। log ab with the base a equal to k है, तो log ab with the base b is, बाकी टेलीग्राम वाली जनता से मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा सा सब्र कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला है, तो अगर पूरे दिन कंटेंट भी बनाना होता है, टेस्ट के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, उसके बाद क्लास भी है, तो ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं मिल पाता। और आप इमेजिन कर सकते हो कि फिर टेलीग्राम पे काफी बच्चों के मैसेज होते हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि मैं सबको जिस जिससे टाइम लगता है मैं बात कर लेता हूँ वन बाय वन, ठीक है। हो सकता है आप अभी तक नंबर में ना पाए हो, पर मैं बात कर लूंगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ऑप्शंस है 1, 2, 3 या नन। चलो ठीक है, 2.5 मिनट दे देते, हालांकि 2.5 मिनट लायक है नहीं क्वेश्चन पर, ठीक है। पहले तो भाई साहब सार्थक से बात करनी पड़ेगी, ये लड़का बड़ा परेशान है। हो कहाँ सार्थक, आप एक बार मैसेज करना कुछ टेलीग्राम पे। हाँ ये रहा, मिल गया। फैजल, रोमा, सारा, बेस पे ऑब्जर्व करो थोड़ा बेस को, ठीक है ना। कभी भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा लॉग का क्वेश्चन दिखे तो बेस को ऑब्जर्व किया करो, जहां जहां बेस सेम दिखे उन पर प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन।
एक और लॉक का, ये लॉक का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आज की क्लास में 5 क्वेश्चन लॉक के, बाकी सारे वो रेशो परसेंटेज पे। ऑप्शन है सर आपके 8, 3/2, 1/8 और 2/3। सर मैं जैन से ही पढ़ रहा हूँ, सारे टॉपिक जो भी पढ़ रहे हैं पढ़े हैं, लग रहा है भूल गया हूँ। हाँ मतलब गैप आ गया होगा ना दीपक, काफी कोई चैप्टर पढ़े अब काफी गैप आ चुका, तो ऑब्वियसली आपको ऐसे लगेगा कि आप भूल गए हो। और रहा सा उस पर अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और आप वो ना कर पाओ, तब तो और फील आएगा कि भाई मैं भूल गया टॉपिक, राइट दीपक। उसके लिए बस इतना करना होता है दीपक कि ये जैसे टेस्ट सीरीज है ना, तो ये इसी पर्पज पे रखी है मैंने कि आप इन टेस्ट को सीरियस लो। जैसे अब अगला टॉपिक, अगला टेस्ट आई थिंक शायद टाइम एंड वर्क का होगा, मतलब शायद टाइम एंड वर्क हो, मैं श्योर हूँ, बट मान लो सैटरडे को टाइम एंड वर्क है, तो आपके पास नोट्स होंगे, अब आपने पढ़ा है तो आपने नोट्स भी बनाए होंगे। अब आप फटाफट से 3-4 दिन में अपना टाइम एंड वर्क को रिवाइज करना शुरू करो। पहले नोट्स रिवाइज करो, फिर कम से कम कुछ 20-25 क्वेश्चन ट्राई करो किसी भी सोर्स से, कोई भी बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वहां से ट्राई करो, ठीक है दीपक। क्योंकि यही तो सारा खेल आ जाता है दीपक, जो मैं बार बार कहता हूँ, सिलेबस कंप्लीट करना मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बच्चे से फटाफट, अभी बहुत से बच्चे ऐसे जो यही सिलेबस कर चुके हैं पर नंबर उनके कुछ भी नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि रिवीजन किया ही नहीं, बस सिलेबस कर लिया फटाफट से, ठीक है दीपक। तो इसका ध्यान रखो थोड़ा सा, छोटी छोटी डेडलाइन बनाओ, छोटी छोटी सी खुद के लिए डेडलाइन बनाओ, एक एक हफ्ते की, एक एक हफ्ते में खुद को 2-3 चैप्टर होमवर्क में रखो, ठीक है ना, कि यार इस हफ्ते में 2 चैप्टर करने, अगले हफ्ते में 2 करने, और क्यूमुलेटिव होना चाहिए। जैसे टेस्ट सीरीज मैंने क्यूमुलेटिव रखी ना, पहले परसेंटेज फिर रेशो, फिर अगले में परसेंटेज रेशो दोनों, फिर मिक्सचर, फिर तीनों, ऐसे ऐसे करके। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन ये वाला ट्राई करना। फिफ्टी, एट्टी, हंड्रेड या 120? नहीं यार ये तो, ये मैंने गलत दे दिया, ये तो सेम ही क्वेश्चन मैंने दे दिया, पहले भी करा रखा है। सर कुछ करने जाते हैं कुछ मिस हो जाता है, जैसे कल टाइम एंड वर्क करना था बट पूरी रात लॉग में निकल गया, प्रैक्टिस में टाइम बचा। ये होगा साहिल यार, अगर आप सीरियसली अपने पढ़ रहे हो, टाइम यूटिलाइज करने की सोच रहे हो, तो वो तो रहेगा, ठीक है ना। कि कई बार ये भी होगा जो टारगेट आपने सोचा वो बन ही नहीं पा रहे होंगे, पूरे नहीं हो पा रहे होंगे, तो ये पार्ट है, कुछ चीजें पार्ट ऑफ जर्नी होता है, ठीक है ना। उसको लेके अगर आप सीरियसली किसी एग्जाम को लेके प्रिपेयर करो, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेके थ्रू आउट जर्नी इरिटेट होते रहोगे कि यार कल मेरे को टाइम एंड वर्क भी करना था, लॉग में सारा टाइम खत्म हो गया, तो ये सब चलेगा, आज करना फिर टाइम एंड वर्क बैठ के। और जो सीरियसली नहीं पढ़ रहा उसके लिए तो सब अच्छा है, ठीक है, वो कभी दुखी नहीं होता, वो सीरियस वो चलता रहता है। थोड़ा
थोड़े कम बच्चों के आंसर आए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 90% बच्चों के आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो 15 सेकंड और दे, टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7, इसको ट्राई करो। 9.21%, 7.41%, 8.56%, 10.71%। सर आई एम प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन फ्रॉम अरुण शर्मा एंड आई हैव डन PYQs, देन ऑल्सो आई कांट सॉल्व द प्रॉब्लम, व्हाट शुड आई डू? गणेश, एक बार टेस्ट होने दो गणेश खत्म, फिर मैं आपको इस बात का आंसर करता हूँ, ठीक है? ये क्योंकि कई और बच्चों ने भी पूछ रखा है। आई गेस आप अभी रहोगे क्लास में, ठीक है? एंड तक 3 क्वेश्चन पोल और खत्म हो जाए, फिर मैं इस बात का आंसर करता हूँ। मुस्कान, बहुत पहले मैसेज किया था कि आपने, आप दिख तो रहेंगे मुझे टेलीग्राम पे, किसी और को तो नहीं कर दिया? मुस्कान दोबारा कोई मैसेज कर लो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवन बाय 40, 27 बाय 215, 59/225 या फिर 4/25। अवलेश आपने क्या बोला? सर मुझे लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज कैसे करें मैनेज? लैंग्वेज समझने में मतलब क्वेश्चन डीकोड नहीं कर पा रहे हो? इसका टाइमर थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है। मुद्दा तो ये है ना नवलेश, कि क्वेश्चंस को आप डीकोड नहीं कर पा रहे कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा ना। अगर एक बार क्वेश्चन समझ आ जाए तो फिर शॉर्ट ट्रिक वगैरह पता है कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगानी है, कैसे सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, राइट? करता हूं मैं भी बात करता हूं। डिपेंड करता है मुस्कान, आने को आ गया तो वेटेज ही वेटेज है, नहीं आया तो कुछ भी नहीं।
हालांकि थोड़े कम ही चांसेस होते हैं आने में कैट के। काजल, पराग, सलमान, तृप्ति, विकास, अनुष्का, अमन, मधु, जयश्री, सही आते हैं सर आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट, ट्वेंटी फाइव परसेंट, फिफ्टी परसेंट या फिर सिक्सटी सिक्स परसेंट। तो एस जी आज का दिन खराब किया आपका, हाँ एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ सर मेरे से। नहीं यार ऐसा मतलब तीन चार तो खैर को जाने चाहिए थे, बट कोई नहीं कर पाते आप तीन चार, तो चार से ऊपर कर देते, बट आई थिंक टाइम प्रेशर वाला इशू आ रहा है आपके केस में भी। और इसको ओवरकम करने का मैं बार बार बोलता हूँ एक ही तरीका, जितना पार्टिसिपेटेड रहोगे धीरे धीरे करके आदत डेवलप हो जाएगी। कुछ लोग की सेकंड थर्ड मॉक टेस्ट में हो जाती है, कुछ को 8-10 मॉक टेस्ट तो इसी में निकल जाते हैं, ये टाइम प्रेशर में क्वेश्चंस को करना, और इन द एंड मैटर यही करता है यार, ठीक है। आपकी क्वांट्स कितनी स्ट्रांग है कितनी नहीं है, बट अगर आप टाइम प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं जानते, मतलब उस चीज की आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो फिर कैट में आपको बहुत दिक्कत आएगी। थोड़ा सा था भाई, सेम ही इशू बोल रहे हैं सारे बच्चे घुमा फिरा के किचन से। टाइम प्रेशर में कैसे सॉल्व करूं सर, हो गया क्या बात है एसजी, मुबारक हो, पहले मैसेज कर देते फाइनली लड़के का या लड़की का जो भी है एक क्वेश्चन ठीक हुआ है। पोल शो नहीं हुआ, शुभम आपको, ओके आई गेस कुछ बच्चों में होता है, रिफ्रेश कर लो यार एक बार। चलो सर तो आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, मिक्सचर का क्वेश्चन, फटाफट से करें ट्राई। ऑप्शंस है 80, 82, 86 एंड 81।
शुभम अंशु रोहित दीक्षा राहुल अमन सिद्धार्थ आयाम सर्वेश तन्मय प्रिया रिचे तृप्ति खुशबू अक्सर विजय शिवम आकांक्षा श्वेत। तो ये थे सर आपके आज के टेस्ट के 10 क्वेश्चन। अच्छा मुझे एक बात बताना आप लोग फटाफट से, आप में से कई बच्चे हैं जिन्होंने 5 के 5 मॉक टेस्ट दिए होंगे, नहीं तो 4 तो दिए। अभी आज हमारे 5 मॉक टेस्ट हो गए, ठीक है ना, 1-5 हो गए। ऐसे मैं जनरली जानना चाह रहा हूँ, अगर आप स्टार्टिंग 1-5 में थे, पहला मॉक टेस्ट बहुत ऐसा रहा होगा कि यार कब शुरू हो रहा है, कब टाइम खत्म हो रहा है, मतलब वो टाइम प्रेशर वाली चीज। तो कोई बच्चा ऐसा है जिसे थोड़ी इंप्रूवमेंट फील हो रही है इस चीज में 5 मॉक टेस्ट देने के बाद, कि वो जो टाइम प्रेशर वाले को लेके हैबिचुअल हो पा रहा है, वो धीरे धीरे कुछ को दिख रही है इंप्रूवमेंट, कि सर स्टार्टिंग में तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि हुआ क्या पहले मॉक टेस्ट में, फिर धीरे धीरे करके कुछ हमें लग रहा है, ठीक है। अगर कुछ का जवाब है नहीं सर मुझे तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि नहीं बात नहीं बन रही, तो इसका मतलब आपको 10 या 11 मॉक टेस्ट के बाद वो चीज दिखेगी। देखो कुछ चीजें, अगेन मैं वही कहता हूँ, कुछ चीजें प्रोसेस होती है और वो चीज हम पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे, ठीक है ना। कुछ चीजें प्रोसेस होती है, जैसे मैं बार बार बोल चुका हूँ, क्वेश्चन आपकी जर्नी के 3 पार्ट है। पहला, जब आप अपने टीचर से सीख रहे हो और वहां तो सबको समझ आ जाता है, वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, जो भी वो पढ़ाएंगे वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरी जो चीज आ जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रैक्टिस करना। जो कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं कि सर हम क्वेश्चंस को नहीं डीकोड कर पा रहे, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम प्रेशर में क्वेश्चन को करना। आपको ये तीनों काम करने पड़ेंगे एग्जाम से पहले। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचो जी हमने तो अपने टीचर की क्लास कर ली, बस हम उनके दिन रात नोट्स ही पढ़ते रहते हैं और क्या मेरा कैट क्लियर हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। आपको ये तीनों एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी, टीचर के साथ कंप्लीट पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और फिर टाइम प्रेशर में क्वेश्चंस को डील करना सीखना होगा। और ये जो दोनों चीजें, ये सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आती है। जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया, प्रैक्टिस पे मैं उस स्टडी प्लान वाले सेशन में भी मैंने बात करी थी, जो मैंने आपको बोला था कि आपको लैंग्वेज को डीकोड करने में दिक्कत आएगी बस, और जो कि बहुत कॉमन इशू है। कुछ बच्चे बहुत आसानी से डीकोड कर लेते, कुछ नहीं कर पाते। तो सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूँ। एक आई थिंक किसने लिखा था वो, कि सर मैं अरुण शर्मा कर चुका हूँ, PYQs भी कर चुका हूँ, था ना कोई बच्चा जिसने लिखा था कि सर मैं अरुण शर्मा कर चुका हूँ, मैं PYQ भी कर चुका हूँ, स्टिल मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं थे। गणेश एक बात बताना, जब आपने अरुण शर्मा करी, मान लो अरुण शर्मा के 50 क्वेश्चन करे, तो क्या 50 में से 40 क्वेश्चन आपने वन शॉट में खुद ही कर दिए थे? मतलब क्या आपको उसमें सोल्यूशन देखना या ये सब चीजें, आपने अरुण शर्मा उठाया 50 में से 40 आपने ऐसे ही फटाफट कर दिया, ऐसा हुआ क्या कि लाइक 80% क्वेश्चन आपने खुद ही कर दिया, आपको ज्यादा इधर उधर हेल्प नहीं लेनी पड़ी 15 के अराउंड, ठीक है। और अगर मैं PYQ उठाता हूँ, मान लो किसी भी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने 20 उठाए, तो क्या 20 में से ऐसा था कि 80% क्वेश्चन आपने खुद ही सॉल्व कर दिया, आपको सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ी? जैसे मान लो आपने वीडियो सोल्यूशन से देखा होगा, राइट? तो ऐसा कि खुद ही सॉल्व कर दिया सर मैंने तो, लाइक 2-2 मिनट के अंदर पर क्वेश्चन 2-2.5 मिनट लेके मैंने ऑन एन एवरेज 80% कर दिया। अगर जवाब है हाँ, तो फिर मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका जवाब है हाँ सर, फिर मुझे लगता है कि आप जब खुद से इधर उधर से कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन स्टिल अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो दैट मीन्स अभी आपको राइट नाउ मैं ये कहूंगा और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन सारे बच्चे ना PYQ जरूर करो, क्योंकि PYQ करने के बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाओ, तो ये जो कई बार आप लोग आकर के पूछते हो ना, जैसे चैट में कोई बंदा कुछ क्वेश्चन करा रहा है और आप पूछते हो क्या ये कैट लेवल के क्वेश्चन है, क्या ये कैट लेवल के क्वेश्चन है, तो सामने वाला तो हाँ ही बोलेगा यार। जैसे कल भी एक YouTube सेशन में ले रहा है, बच्चा कह रहा है कि ये कैट लेवल का क्वेश्चन है, आपको लगता है मैं ना बोल दूंगा इस बात पे? ऑब्वियसली मैं ना थोड़ी बोलूंगा कि मैं YouTube पे कैट लिख करके क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं बोलूँ नहीं नहीं ये कैट लेवल का नहीं है, कोई ऑब्वियसली मैं नहीं बोलूंगा। तो हर कोई जो भी पढ़ा रहा है उसे तो लग रहा है कि भाई वो कैट लेवल है, तभी वो करा रहे हैं हम लोग, राइट? ये आपको जज करना है। आप जाओ, आप पहले PYQ करो किसी चैप्टर के, सो दैट जब आप क्वेश्चंस कराओ तो आपको खुद ही पता लग जाए कि क्या ये कैट का लेवल है भी या नहीं है, ठीक है ना। तो आपको खुद पता लगेगा। बाकी मेरा ये कहना है कि हमेशा जो भी कैट का लेवल है उसके हल्का सा ऊपर लेवल पे ही अपनी तैयारी करो। पता है क्यों? क्योंकि इस चीज को आप समझो, जो चीज देखो क्या होता है ना,
अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, अगर मैं आउट ऑफ 0 to 10 अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, 0 to 10 लेवल पे बात करूं, एग्जाम में आप मान लो कि आपके जो क्वेश्चन है ना वो लेवल 5 पे आते हैं, 0 to 10 स्केल पे लेवल 5 के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन आप वो नहीं कर पाते हो, एग्जाम में नहीं कर पाते ना, एक काम करो रुको, पहले तो मैं लीडर बोर्ड दिखा दूं, कुछ बच्चे लीडर बोर्ड के लिए परेशान होंगे। विजय 7, अमन 7 वाले काफी सारे हैं आज तो, नहीं ठीक है वैसे आज का स्कोर, क्योंकि लॉग में दिक्कत आती भी है कई बच्चों को, मतलब ठीक है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस आज कई बच्चों की, सही है, ठीक है। हाँ तो ये बात आप ना एक छोटी सी चीज ध्यान रखो, देखो क्या होता है ना, अगर आपके एग्जाम में इस चीज को समझना, ऐसे होता है ना 0 to 10 स्केल होता है, ठीक है, तो अगर 5 स्केल पे भी कोई क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, मतलब ठीक ठाक एवरेज लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो वो भी हमसे नहीं हो पा रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि एग्जाम वाले दिन हमारे ऊपर प्रेशर बहुत होता है ना, क्योंकि हमारा करियर डिपेंड कर रहा है, पूरे एक साल की मेहनत आज वो एग्जाम डिसाइड करेगा कि कितनी थी, तो एक तो वो प्रेशर होता ही होता है, ऊपर से टाइमर का भी प्रेशर है, तो वहां पर एवरेज लेवल के क्वेश्चन करने में भी बच्चों को दिक्कत आती है। या सुनो, आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कैट 22 का एग्जाम दिया होगा, राइट, तो उन्हें चीज बाद में फील आ रही होगी कि जब उन्होंने बाद में, मतलब यू नो एग्जाम वाले दिन नहीं, उसके बाद जब कभी उन्होंने उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे, तो उन्हें यही फील आता होगा कि यार इतने आसान क्वेश्चन आए हुए थे और मैं एग्जाम में नहीं कर पाया इनको, राइट, समझ गए, जबकि वो उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, उससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करते थे, ठीक है ना, जब वो घर बैठ के प्रैक्टिस करते थे ना क्वेश्चंस की, एग्जाम से पहले जब वो प्रैक्टिस करते थे, तो उस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस करते थे, जिनके वो शायद आंसर भी निकाल देते थे, पर उससे आसान ही क्वेश्चन एग्जाम में आए थे पर वो नहीं कर पाए। तो ये चीज का ध्यान रखें कि एग्जाम में एक वो प्रेशर वाली सिचुएशन काफी होती है। तो अब अगर आप ये सोचो कि आपका जो एग्जाम का लेवल है, अगर आपका एग्जाम है लेवल 5 पे, तो अगर आप लेवल 5 के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसका ज्यादा भी सेंस नहीं बनता, इसलिए थोड़ा लेवल हाई करके चलो हमेशा। अगर एग्जाम में लेवल 5 के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लेवल 7 के क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ये चीज हमें समझना है कि प्रैक्टिस के दौरान हम उस प्रेशर में नहीं होते, राइट ना, तो हम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम क्वेश्चन को डीकोड करने के लिए यूज टू हो जाए। जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में रखोगे तो नॉर्मल से क्वेश्चन भी आप कर दोगे, लेकिन डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही बेतुके अंट शंट क्वेश्चन उठा के कर रहे हो, जैसे कई बार स्पेशली एल्जेब्रा में मुझे लगता है, एल्जेब्रा में कई बार लगता है कि लोग बिना मतलब के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं और बच्चा भी बिना मतलब के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, वो फालतू के क्वेश्चन में लगा पड़ा है, समझ गए। तो जो प्रैक्टिस भी कर रहे हो थोड़े से लॉजिकल भी होने चाहिए, कई बार बहुत ही, देखो क्या होता है ना, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे अंट शंट क्वेश्चन है जो जस्ट बिकॉज डिफिकल्ट के नाम पे मुझे कराने हो तो मैं करा सकता हूँ, जो मैं श्योर हूँ कि यहाँ बैठा शायद 2-3 ही बच्चा उसको कर पाएगा, लेकिन ऐसे बेतुके क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं बनता है, तो इसको ध्यान रखना आप सभी, ठीक है। हाँ, पर अपनी प्रैक्टिस में पहले आप कैट के पीवाईक्यूज करो ताकि पता लगे एग्जाम का लेवल क्या, बट हाँ उससे थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन ही आप प्रैक्टिस में रखना, थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान टाइम प्रेशर नहीं होता, ठीक है ना, तो तभी इंप्रूवमेंट होगी, वहां तो खैर ठीक ठाक से क्वेश्चन में भी हम अटक जाते हैं, खैर। तो आपको कुल मिला के ध्यान सर ये रखना है कि थोड़ा टाइमर के लिए यूज टू हो जाओ, ठीक है, और इन सब चीजों में एक्टिव रहो। और दूसरा यार, आज मैं सॉल्यूशन, अभी मैं इनके सॉल्यूशन आज नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, 8:15 पे मेरी क्लास है, प्लस क्लास है, तो आज इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं कल करा दूंगा, चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कल मैं 3 PM एक सेशन रख दूंगा, कल 3 PM इन 10 के 10 क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन आपको करा दूंगा, तब तक मैं आप लोग इन्हें एक बार दोबारा ट्राई करना चाहते हो तो दोबारा करना, अभी तो टाइम प्रेशर में आप नहीं कर पाए क्वेश्चंस, है ना, अभी टाइम प्रेशर में आप नहीं कर पाए, डन, लेकिन एक बार आराम से शाम को एक बार दोबारा इन क्वेश्चंस को देख लेना, और स्टिल ना हो पाए तो कल 3 PM वाले सेशन में इनके सॉल्यूशंस देख लेना, ठीक है, क्योंकि 8:15 प्लस क्लास है तो मैं सॉल्यूशन अभी कराऊंगा नहीं, क्योंकि हो नहीं पाएंगे सारे, 2-3 ही मैं करा पाऊंगा, तो आराम से कल 10 के 10 सॉल्यूशन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। सर प्लीज, मैं कैसे आपकी क्लासेस ज्वाइन कर सकता हूँ, कौन सी क्लासेस दीपक? अनुष्का, स्पीड को इंप्रूव करने के 2 तरीके हैं जो मुझे लगता है। नंबर 1 तरीका तो ये होता है, ऑब्वियसली जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, अगेन वही बात आती है अनुष्का, क्योंकि मुझे लगता है यही एक कॉमन सॉल्यूशन निकल के आता है, दैट इज प्रैक्टिस करना। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन क्वांट्स के एक दिन में डील करोगे, अभी आप मान लो 10 क्वेश्चन करते हो, लेकिन अपनी ओवर भी मत चले जाना, जैसे अभी आप अगर 10 ही क्वेश्चन क्वांट्स के करते हो तो उसको 15 करो, ये भी मत कर देना कि कल से 50 करूंगी, क्योंकि वो होंगे ही नहीं, तो फालतू में ओवर एक्सपेक्टेशन भी मत करना। अभी आप अगर क्वांट्स के 10 क्वेश्चन दिन में सॉल्व करते हो तो 15 का टारगेट बनाओ, 2-3 दिन 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करो, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप उतने यूज टू होते चले जाओगे। एंड मैं सही बता रहा हूँ, आप अभी इस बात को नहीं समझ पाओगे, क्या नाम था आपका, अनुष्का नाम था शायद जिसने भी पूछा, अनुष्का, अभी पता अनुष्का जो मैं बोल रहा हूँ ना उस वो बात आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब आप उस चीज को फील करोगे ना तो वो चीज आपको समझ में आएगी। फील से मेरा मतलब है
कि जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो पता है एक मोमेंट ऐसा भी आता है जिसमें सदियां नहीं लग जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा आपने 20-25 दिन भी ये काम किया, किसी चैप्टर के 10-10, 15-15 क्वेश्चन करे, तो उसी चैप्टर के जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, मतलब एक कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, वो आधा दूर आधा क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी के कागज है, अगर मैं आपको एक प्रॉपर्टी के कागज पढ़ने को दूंगा ना, तो आप एक एक लाइन पढ़ोगे, एक एक लाइन पढ़ोगे, समझोगे। लेकिन एक ऐसा बंदा जो सुबह से शाम तक प्रॉपर्टी के कागज ही पढ़ता है, आपको क्या लगता है पूरा पूरा पढ़ेगा? वो जस्ट रैंडम, वो बस ऐसे फटफट फटफट पढ़ेगा, रैंडम आइडिया लिख के उसे पता है कि क्या है ये चीज। समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ? ये चीज समझ पा रहे हैं सभी? पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक बंदा आपको मैं प्रॉपर्टी के कागज दूं, कोई भी एक कागज दूं, भैया जरा इसको रीड करना क्या लिखा है उसमें, तो हम एक एक लिख, क्योंकि हम उसके यूज टू है। लेकिन एक इंसान जो डेली ये काम कर रहा है, वो पूरा नहीं पढ़ता है, वो बस पहली, वो ऐसा नहीं कि पूरा ही नहीं पढ़ेगा, बहुत ही जल्दी बाजी में पढ़ेगा, ऐसे रैंडम रैंडम फटफट फटफट पढ़ेगा, और उसे पता है कि इसमें क्या लिखा हुआ, वो फटाफट समझ जाएगा। और ऐसा एक मूवमेंट आता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। आप डेली बेसिस पे कोई भी एक चैप्टर उठा के देख लो, आप बस आप कोई भी एक चैप्टर कर लेना अनुष्का, चाहे टाइम एंड वर्क उठा लो, आप ज्यादा नहीं 4-5 दिन ही उसके डेली बेसिस पे 15-15, 20-20 पहले, लेकिन हाँ पढ़ लो। अगर आपने अभी तक टाइम एंड वर्क पढ़ा ही नहीं है, तो पहले अपने टीचर के साथ पूरा पढ़ लो, नोट्स को ढंग से रिवाइज कर लो, उसके बाद आप डेली बेसिस पे 15-20 क्वेश्चन करो। आप खुद ही देख लेना, 5-6 दिन बाद ऐसा आएगा कि आप कई क्वेश्चन तो पूरे पढ़ोगे भी नहीं, आप बस ऐसे पढ़ोगे, जस्ट एक रैंडम आइडिया आपको लग जाएगा, अच्छा ये ऐसा 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 कुछ कहना चाह रहा है, फटफट फट आंसर। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा लेकिन मेहनत करनी होती है, लेकिन ऐसा पॉइंट आता जरूर है सबका, चाहे कोई पढ़ने में कितना ही एवरेज क्यों ना हो। डन है? मॉक टेस्ट तो सीधा डाउनलोड हो जाएंगे यार यहाँ से, ठीक है, डाउनलोड हो जाएंगे। चलो जाने से पहले फटाफट मैं बता देता हूँ, सब्सक्रिप्शन पे ऑफर RMN10 कोड है, अभी ऑफर के हिसाब से 24,000 का सब्सक्रिप्शन है, 6 मंथ का आपका, 6 मंथ पे 2 महीने आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है ना, और CAT 24 आपका 18 मंथ, और ये आपको फ्री मिल जाएंगे 6 मंथ, ठीक है, वो आप देख लेना। एक टारगेट बुलसाई बेस्ट CAT 23 के लिए स्टार्ट हो रहा है 22nd of July से, ठीक है, और एक और AIMT आपका होने वाला है 23rd July 12 बजे, पार्टिसिपेट आप सब करते हैं रेगुलर बेसिस पे, इस बार भी करना। 125 डेज का रोड मैप बैच है, कॉम्प्रेहेंसिव कोर्स, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्योमेट्री क्लास मैंने स्टार्ट किया, अभी सिर्फ 2 क्लास हुई है, अभी 8:15 इसकी 3rd क्लास होने वाली है। अगर किसी बच्चे पे सब्सक्रिप्शन नहीं है और वो मेरे से पढ़ना चाहता है, सब्सक्रिप्शन लेकर के बैच में एनरोल कर सकता है। 13th July से बैच स्टार्ट हुआ है, और किक स्टार्ट CAT 24 है, 8th July से बैच स्टार्ट हुआ है, एंड 100+ बच्चे हैं ब्लैक की, और 650+ बच्चे जो अदर टॉप MBA कॉलेजेस में पहुंचे। 1 ईयर का आइकॉनिक अगर आप लेते हैं, तो आपको 100% का फी रिफंड होगा एज अ रिवॉर्ड, ठीक है, अगर आप IIM कन्वर्ट करते हो, नहीं कर पाते हो, तो 1 ईयर तक का एक्सटेंशन मिल जाएगा। डन है? और तो कुछ खास, हाँ, सब्सक्रिप्शन 2 तरह के, प्लस आइकॉनिक, प्लस में इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस पूरी आपका स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स PDF, डिजिटल नोट, 25,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनअकैडमिक कम्युनिटी, आस्क अ डाउट, हैंड रेज करो, माइक ऑन करके डाउट पूछो। आइकॉनिक के अंदर आपको 8 फिजिकल बुक GDPI वेट के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, 1-to-1 मेंटरशिप, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। चलो अब मुझे बताओ, डन है कुछ और अनअकैडमी? अच्छा शुक्रिया जी, सॉरी सर, मेरा मैसेज प्लीज पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ यार, एक तो सॉरी यार, आप लोग कहीं होगी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, बट करता हूँ यार, कुछ एक मतलब ज्यादा ज्यादा 2-3 से बात हो पाती है, तो इसके लिए देखते हैं। आप लोग एक काम करो ना, आप लोग एक काम और कर दो यार, जो भी बच्चा टेलीग्राम वाले ना, एक वॉइस मैसेज पे ना, आप प्रॉपर आप क्या बात करना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दो, ठीक है, एक बार अगर हो सके तो कर दो, ठीक है, प्रॉपर एक वॉइस मैसेज के साथ आप पूरा बोल करके कि सर ये परेशानी है, ये चीज है, मैं डिस्कस, जो भी एक्स वाई जेड, जो भी आपका पॉइंट है, वो वॉइस मैसेज के थ्रू एक बार ड्रॉप कर दो मुझे, ठीक है। सर ज्योमेट्री के लिए यूट्यूब मैराथन सफिशिएंट है? देखो मुस्कान, सफिशिएंट तो मैंने वही बोला ना, अब वो है इन टर्म्स ऑफ, अगेन समझे मुस्कान, वो है जैसे मैं कहता हूँ टीचिंग वाली बात की, अगर आपको मेरे से सीखना, तो वो सब तो मैंने आपको सिखा, मतलब ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज मैंने उसमें करा रखी है, लेकिन एक होता है और प्रैक्टिस कराना सामने वाले को, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना, तो वो अगर सब्सक्रिप्शन है तो उसमें मैं करा रहा होता हूँ, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कंटेंट की बात करूं, से यूट्यूब पे हम लोग जाते हैं कि भाई हमें चैप्टर का पूरा आइडिया मिल जाए, तो वहां पर आपको पूरा आइडिया तो मिल जाएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है मुस्कान, एक बार आप करके देखना, जो भी उसमें मैंने लगभग 12 या 15 घंटे का कंटेंट है उसके अंदर, एक बार आप देखना, आपको हर चीज का आइडिया लग जाएगा उसको पढ़ने के बाद, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जरूर। और एक काम करना मुस्कान, मैं और बता देता हूँ, वो करने के बाद क्या करना, वो जो ज्योमेट्री वाला कोर्स करोगे उसके बाद ना, ज्योमेट्री का देखना 2017 से 2021 तक के PYQs मैंने कराए हैं, एक 3.5 घंटे की वीडियो है, उसमें मैंने 2017 से 21 तक के सारे PYQ कराए, एक बार वो देख लेना, ठीक है, तो मुझे लगता है ज्योमेट्री में काफी इंप्रूवमेंट आपके आ जाएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ फ्री कंटेंट तो मैं यही सब हेल्प कर सकता था जो मैंने यूट्यूब पे कर रखी है, ठीक है। चल मिलेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में।
सर आई जस्ट स्टार्टेड माय प्रेप, प्लीज टेल मी विल आई बी एबल टू कॉप। गायत्री इसके लिए ना क्योंकि इन डिटेल डिस्कशन होना चाहिए राइट, ऐसे जल्दीबाजी वाला आंसर मैं दूंगा तो वो ऑब्वियसली आपको ना समझ में आएगा, वो बहुत ही वेग होगा। आप एक काम करना गायत्री, अभी मैंने हफ्ते भर पहले YouTube पे, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन थे, तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो डाली थी YouTube पे 37 मिनट की है, ठीक है। आपको पता है अनअकैडमी कैट करके चैनल है, या आप टेलीग्राम पे हो गए, रुको मैं टेलीग्राम देता हूँ, आप टेलीग्राम पे हैं गायत्री? मैं टेलीग्राम पे भी वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आप अनअकैडमी कैट चैनल पे मैं पढ़ाता हूँ, आपने देखा होगा, तो वहां पे जाकर के लाइव सेशन में स्क्रोल डाउन करना। 7 या 8 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी टू स्कोर 100% है, तो उसमें बेसिकली मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड की भाई एक्चुअली ये पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो उसके लिए आपको कितने एफर्ट करने पड़ेंगे, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लगता है गायत्री कि आप उतना टाइम निकाल पाओगे, उतने एफर्ट कर पाओगे, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं नहीं सर इतना नहीं कर पाओगे, मतलब जो भी आप खुद ही खुद को आंसर कर लोगे वीडियो देखने के बाद, 37 मिनट की वीडियो एक बार देखना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी सारी, ठीक है। ठीक है, करता हूं मैं दीपक इस बारे में, आप एक बार मैसेज डालना फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ओके बाय, हाँ टेक केयर, ध्यान रखें आप लोग अपना, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में।